हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टेंट एग्जाम। एसएससी के स्टेंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट थ्री। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न क्या है, 83 से यहाँ 50 आया है, उसी प्रकार 133 से यहाँ पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन BSSC CGL 2014 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 83 से 50 किस तरीके से आया है, उसी प्रकार हमें 133 से यहाँ पर क्या लाएँ कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर फाइंड हो जाए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर यहाँ पर देखिए 83 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 50 आ जाए, तो 83 में अगर 33 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 33 माइनस करने से कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पर 50 आ गया, जो कि इसके 83 के समक्ष दिया गया है। अब क्या करना है, यहाँ 33 माइनस किया है तो इसमें भी हम 33 माइनस करके देखते हैं। देखिए, जब यहाँ पर 133 दिया गया है तो 133 से हम 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100। तो क्या 100 कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो 100 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी 100। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले यहाँ 83 से यहाँ 50 बना, तो 83 में ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 50 आ गया, तो 83 में अगर हमने 33 को माइनस किया तो यहाँ पर 50 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ 133 दिया था और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक संख्या फाइंड करनी थी, तो 133 से हम क्या करें कि यहाँ पर 100 आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर 133 से यहाँ 83 से 33 माइनस किया गया था, तो 133 से भी 33 माइनस कर देंगे। जब 33 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न क्या है, 1/9 लिखा है, फिर अनुपात लिखा है, इसके बाद 1/99 समानुपात, 1/13 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह एक संख्या फाइंड करनी है जो कि हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 10+2 2010 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 9 से 1/99 कैसे आया, इसका संबंध इस 99 से कैसे, 1/9 का संबंध यहाँ पर 1/99 से कैसे, ये हमें देखना है। उसी प्रकार संबंध हमारा 1/13 से क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन मार्क लगा है इस जगह पर एक हमें संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखें, यहाँ पर 1/9 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 99 आ जाए, तो अगर यहाँ पर हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें 99 में तो कितना आएगा। देखिए, अगर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 99 आ जाएगा। देखिए, 11 99, तो यहाँ पर 99 आ गया। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार 1/9 का संबंध 1/99 से था, उसी प्रकार 1/13 का संबंध यहाँ पर होगा। तो 1/13 में हम ऐसा क्या करें, देखिए यहाँ पर हमने 11 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 11 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ जो बटे में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 143। 13 × 11 होता है 143। तो देखिए, क्या 143 1/143 कोई ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार 1/9 का संबंध 1/99 से था, तो हमने 1/9 में ऐसा क्या किया कि 1/99 आ गया। तो अगर 1/9 में हम मल्टीप्लाई 9 का कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/99। ठीक है, उसी प्रकार से हमने इसमें क्या किया है, जो 1/13 दिया गया था इसमें हमने यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई किया था, तो 13 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जब यहाँ पर 1/13 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/43, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी कूट भाषा में स्पीकर को TQFBLFS लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में प्रेजेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2012 में, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीकर को यहाँ क्या लिखा गया है। स्पीकर के सामने लिखा गया है SPEAKER, स्पीकर को लिखा गया है यहाँ पर TQ
फिर एफ लिखा गया है, उसके बाद बी लिखा गया है, यहाँ पर एल एफ एस। तो देखिए एस में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर टी आ जाए, तो अगर एस के बाद क्या आता है टी, यानी कि एस में प्लस वन कर दें, तो देखिए एस का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कितना होता है 19, और टी का कितना होता है 20। तो यहाँ पर 90 से 20 तक आने में कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर इसमें हम प्लस वन ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19 में प्लस वन ऐड कर दें तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 20 के स्थान पर क्या आती है टी आती है, जो कि टी इसके एस के सामने दी गई है। इसी प्रकार से हम पी का देखते हैं, जो पी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है वो क्या होता है, पी का होता है 16 और क्यू का क्या होता है 17। तो देखिए अगर 16 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 17 आ जाए, तो अगर 16 में प्लस वन कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, जो कि पी के सामने यहाँ पर क्यों दिया गया है। अब क्या करेंगे ई को देखते हैं, देखिए ई का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है वो कितना है 5 है, और एफ का होता है 6। तो देखिए 5 से 6 किस प्रकार से हुआ है, जब हम 5 में प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में प्लस 1 करने से यहाँ पर 6 आएगा, और 6 के यहाँ पर 6 के स्थान पर कौन सा लेटर आता है, उसके स्थान पर आता है एफ लेटर, तो ई के सामने क्या दिया गया एफ। इसी प्रकार से ए में भी प्लस 1 होगा, जब ए का स्थान हमने देखा तो ए का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 1 और बी का स्थान होता है 2। तो देखिए 1 से 2 तक आने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 के स्थान पर कौन सा लेटर आता है बी आता है, तो इसी प्रकार से सभी में 1-1 ऐड कर देंगे। देखिए जब 11 के का हमने अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान देखा तो 11 आता है और एल का 12 आता है, तो 11 में कितना ऐड कर दें कि 12 आ जाए, तो प्लस 1 ऐड कर दें तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से ई में ई हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर ई में ई का स्थान होता है 5 और यहाँ पर एफ का होता है 6, ई में कितना ऐड करें कि यहाँ पर 6 आ जाए, तो अगर प्लस 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 के स्थान पर क्या आता है एफ। इसी प्रकार से बचा क्या आर, तो आर का स्थान जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो 18 नंबर पर आता है, और एस का स्थान जो है वो 19 नंबर पर आता है, तो 18 से हमें 19 तक आने में कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर हम प्लस 1 ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 19, और 19 के स्थान पर कौन सा लेटर आता है एस लेटर आता है। अर्थात कहने का मतलब ये था कि जो स्पीकर दिया था इसको एक शब्द एक लेटर बढ़ाकर लिख दिया गया है, यानी कि एस को टी लिखा गया है, पी को क्यू लिखा गया है, इसी प्रकार ई को एफ, ए को बी, के को एल, ई को एफ, आर को एस। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट को लिखना है, तो प्रेजेंट में क्या करेंगे पी आर ई एस ई एन टी। जब हम प्रेजेंट को लिखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर जो पी का स्थान होता है क्या होता है 16, और यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है तो 16 में हम प्लस 1 कर देंगे, तो 16 में जब प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा 16 में प्लस 1 करने पर आएगा 17, और 17 पर कौन सा लेटर होता है 17 पर क्यू लेटर होता है, तो यहाँ पर क्यू आ गया। अब हम क्या देखते हैं आर को देखेंगे, जो आर का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो क्या होता है 18 पर होता है, और यहाँ पर देखिए प्लस 1 ऐड हो रहा था सभी में, तो इसमें भी प्लस 1 ऐड कर देंगे, जब प्लस 1 ऐड करेंगे 18 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 19, और 19 पर कौन सा लेटर आता है 19 पर आता है तो 19 पर एस लेटर आता है, तो हमने एस लिख दिया। अब देखते हैं ई को, देखिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में ई का स्थान है वो कितना आता है वो 5 पर आता है, और 5 में हमें क्या ऐड करना है, इसमें प्लस 1 ऐड हो रहा था तो इसमें भी प्लस 1 ऐड कर देंगे, जब प्लस 1 ऐड कर देंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 6, और 6 पर कौन सा लेटर आता है एफ। इसी प्रकार से हम फिर से एस को देखते हैं, जब एस को देखेंगे तो एस का जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वो कितने स्थान पर आता है 19 स्थान पर, और 19 में हमें क्या करना है प्लस 1 करना है तभी तो हमारा अगला लेटर आएगा, जब प्लस 1 करेंगे 19 में तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, और 20 पे कौन सा लेटर आता है यहाँ पर टी आ जाएगा, 20 पर आता है टी लेटर, तो यहाँ पर ई का हम लिख चुके हैं, देखिए ई का जो स्थान था वो यहाँ पर एफ आ गया, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जब ई का स्थान होता है 5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 के सामने क्या आता है 6 पर आता है एफ। अब यहाँ क्या आ गया एन, जब एन को देखा तो अंग्रेजी वर्णमाला में एन का स्थान होता है 14 नंबर पर, यहाँ हमने 14 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें सब में प्लस 1 ऐड हो रहा था तो इसमें भी 14 में प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जब 14 में प्लस 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, और 15 पर कौन सा लेटर आता है 15 पर आता है ओ लेटर। अब क्या बचा टी, टी देखिए टी का जो स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में वो कितना होता है, टी का स्थान 20 होता है। अब 20 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 21 आ जाए, तो प्लस 1 अगर ऐड कर देंगे 20 पर तो कितना आ जाएगा 21 पर, 21 पर कौन सा लेटर होता है 21 पर लेटर यू होता है, तो यहाँ पर यू आ गया। जो प्रेजेंट को लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा क्यू एस एफ टी एफ ओ यू, ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जो स्पीकर दिया था
उसको लिखा गया था TQFBLFS। तो हमने स्पीकर में जब S को देखा तो यहाँ पर S में ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पर T आ गया, तो इसमें प्लस वन करके यानी कि एक लेटर आगे लिख दिया गया तो T आ गया। इसी प्रकार से P को Q लिखा गया है, E को F, A को B, K को L, E को F और R को S। तो हमने जब प्रेजेंट को लिखा तो देखिए P का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो 16 होता है और यहाँ पर प्लस वन ऐड हो रहा है तो इसमें भी हमने प्लस वन ऐड कर दिया तो यहाँ पर 17 आ गया और जो 17 पर लेटर आता है वो आता है Q। इसी प्रकार से जब हमने R को देखा तो R का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है 18 होता है, 18 में हमने प्लस वन कर दिया तो यहाँ कितना आया 19 और 19 में जब हमने देखा तो कौन सा लेटर आता है S। इसी प्रकार से श्रृंखला को आगे बढ़ाया, यहाँ पर जब T को देखा तो T कितने पर आती है, T आती है 20 नंबर पर और जब इसमें प्लस वन ऐड हो रहा था तो हमने 20 में प्लस वन ऐड कर दिया, जो लास्ट में अंक आए वो संख्या आई वो कौन आई 21 और 21 स्थान पर कौन सा लेटर आता है U, जो हमारा प्रेजेंट का शब्द निकल कर आया वो क्या आया QSFTFOU और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि कृष्ण के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कृष्ण को लिखना है। ये देखिए दोस्तों जो SSC 10+2 में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझें। देखिए यहाँ पर कृष्ण लिखा हुआ है CREATION। देखिए अभी इसमें क्या कहा गया है कि कृष्ण के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, यहाँ से जैसे ए लिखा गया उसके बाद क्या आता है बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई, इसी प्रकार से बढ़ता जाता है और जेड तक चली जाती है ABCD। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो सबसे पहले लेटर आता है उसको लिखना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले लेटर क्या आता है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आता है ए, फिर हमने यहाँ पर लिखा ए, तो यहाँ पर हमने ए लिखा। अब क्या आएगा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद सी आएगा, डी आएगा, इसी प्रकार से इसमें कौन सा लेटर दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, तो यहाँ पर दिया गया है सी, तो हमने अब क्या लिखा सी लिख दिया। देखिए यहाँ पर सी लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, इसके बाद जो इसमें लेटर दिया गया है उसको लिखना है, तो सी, इस सी के बाद इसमें कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लेटर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है ई, तो हमने यहाँ पर ई लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, इसके बाद हमें देखना है कि ई के बाद कौन सा इसमें लेटर आएगा, तो यहाँ ई के बाद कौन सा लेटर आएगा, देखिए ई के बाद इसमें कौन सा लेटर दिया गया है, तो ई के बाद दिया गया है इसमें आई, तो हमने आई लिख लिया। अब क्या करेंगे, आई के बाद देखिए इस कृष्ण में कौन सा ऐसा लेटर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आ रहा हो आई के बाद, तो आई के बाद हमने जब यहाँ पर देखा तो एन आ रहा था तो हमने एन लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब फिर से देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कृष्ण में कौन सा शब्द, कौन सा लेटर आ रहा है जो एन के बाद आता हो, तो एन के बाद कौन आता है MNO, यहाँ पर ओ आ जाएगा तो हमने ओ लिख लिया। अब देखिए आर पहले आती है या टी, तो यहाँ पर आर जो है वो पहले आ जाएगी तो आर को रख देंगे और टी बाद में आएगी तो यहाँ पर टी पहले रख दे बाद में रख देंगे। तो यहाँ पर कितने लेटर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर कितने दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर पूरे लेटर जो लिखकर आया वो क्या लिखकर आया ACEINORT। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। देखिए क्रम में रख दिया गया है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के दाएं कौन सा होगा। देखिए बाएं हमारा कौन सा होगा, बाएं इधर साइड होगा और दाया किधर होगा, दाया इधर साइड होगा। तो हमसे क्वेश्चन में बाएं साइड से पूछा है बाएं से पहले स्वर, बाएं से पहला स्वर कौन सा है, बाएं से पहला स्वर है ए, यहाँ पर ए, तो हमसे पहले स्वर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। तो पहले स्वर के दाएं दाया स्वर, पहले ए के दाया किधर होगा, ए का दाया इधर होगा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बाएं स्वर से पहले के दाएं दूसरा कौन सा स्वर होगा। तो देखिए जो ए का दाया है वो किधर होगा, इधर साइड होगा, तो दूसरा स्वर यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ई, तो ई कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यदि कृष्ण के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के दाएं दूसरा कौन सा स्वर अक्षर होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जब रखा तो क्या आ गया ACEINORT। फिर हमसे क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि बाएं से
बाएं से पहले स्वर के, तो बाएं से पहला स्वर कौन सा होगा, देखिए जो बायां होगा वो इधर साइड होगा, जो दायां होगा वो इधर साइड होगा, तो बाएं से पहला स्वर कौन सा यहां पर है, ए। पहले स्वर के दाएं दूसरा स्वर कौन सा होगा, तो दूसरा स्वर हमसे पूछा गया है दायां ए का कौन होगा, तो दायां होगा इधर साइड, तो दाएं दाएं दूसरा स्वर कौन सा है, ई है, तो यहां पर ई ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और ई हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन उस पर आते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों से मिलकर बनाया जा सकता है। तो शब्द कौन सा दिया गया है, यहाँ शब्द दिया गया है रेपुटेशन, तो यहाँ पर रेपुटेशन से कौन सा यहाँ पर शब्द बन सकता है, चार विकल्प दिए गए हैं, इससे हमें विकल्प को छांटना है कि रेपुटेशन से कौन सा विकल्प बन सकता है। तो सबसे पहले हमें रेपुटेशन के लिखना है, रेपुटेशन REPUTATION रिपोर्टेशन लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ए ऑप्शन को उठाना है, तो सबसे पहले हमने ए ऑप्शन को उठाया, ए ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए ए ऑप्शन में लिखा है ट्विटर, तो हमने TUTUTOR लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या टी रिपोर्टेशन में मिल रहा है, तो टी इस रिपोर्टेशन में यहाँ पर मिल रहा है, देखिए टी मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने टी को लिख लिया। फिर क्या देखेंगे, यू देखेंगे, यू रिपोर्टेशन में मिल रहा है, तो ये देखिए पी के बाद यू मिल रहा है, तो यू भी मिल रहा है, तो यू भी हमने लिख लिया। अब क्या देखना है, टी, तो देखिए यहाँ पर क्या दो बार टी दी गई है रिपोर्टेशन में, तो यहाँ पर देखिए एक टी ये दी गई है, एक टी ये, तो यहाँ पर टी भी मिल गई, तो टी भी लिख लिया। अब क्या देखना है, ओ को देखना है, जब हमने ओ को देखा तो रिपोर्टेशन को आई के बाद देखिए ओ मिल रहा है, तो ओ भी लिख लिया। अब देखना है आर, तो देखिए आर सबसे पहले दी गई है, तो यहाँ पर आर लिख गया। तो जो रिपोर्टेशन से शब्द मिलकर बनेगा वो कौन सा, ट्विटर मिलकर बनेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, जब बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो पोंडर देखिए लिखा है, सबसे पहले पोंडर को हमने लिखा। अब जब पोंडर को लिख लेंगे उसके बाद हमें रिपोर्टेशन से चेक करना होगा, जब हमने चेक किया तो बी ऑप्शन में देखिए सबसे पहले पी को अगर देखें तो पी क्या मिल रही है, तो पी मिल रही है, यहाँ पर देखिए ई के बाद पी लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमने पी को लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, ओ को देखना है, जब हमने ओ देखा तो यहाँ पर ओ कहाँ पर मिल रहा है, देखिए आई के बाद ये ओ लिखा हुआ है, तो ओ यहाँ पर मिल रहा था, तो हमने ओ को लिख लिया। अब हमें एन देखना है, तो एन यहाँ पर देखिए ओ के बाद एन लिखा हुआ है, एन भी मिल रहा है। अब जो देखिए यहाँ पर डी आ रहा है, क्या रिपोर्टेशन में डी मिल रहा है, तो रिपोर्टेशन में डी नहीं मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इज गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बी शब्द नहीं बनेगा। अब सी को भी चेक करके देख लेते हैं, रिक्वायर को चेक करते हैं, जब आर ई क्यू यू आई आर लिखा है तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आर, जो आर है वो यहाँ पर कहाँ मिल रहा है रिपोर्टेशन में, तो फर्स्ट पे आर मिल रहा है, आर लिख लिया। इसके बाद ई को देखते हैं, जब ई को देखा तो यहाँ पर आर के बाद ई लिखा है, ई भी लिख लिया। अब क्यू को देखना है, तो यहाँ पर रिपोर्टेशन में क्यू मिल रहा है, तो रिपोर्टेशन में क्यू नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर रिक्वायर शब्द भी नहीं बनाया जा सकता है, तो ए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं डी ऑप्शन को, जब डी ऑप्शन में क्या लिखा है, रिटायर लिखा है, आर ई टी आई आर ई, तो रिटायर को देख लेते हैं, क्या रिपोर्टेशन से शब्द रिटायर बनाया जा सकता है, तो जब सबसे पहले हमने आर को देखा तो आर यहाँ पर फर्स्ट लेटर पर मिल रहा था, फर्स्ट स्थान पर, तो हमने आर को लिख लिया। उसके बाद क्या ई को देखना है, जब हमने ई को देखा तो यहाँ पर ई सेकेंड पर मिल रहा था, ई भी मिल गई। अब हमें टी को देखना है, देखिए टी है जो रिपोर्टेशन में टी यहाँ पर दो बार लिखी हुई, तो एक टी को यहाँ पर लिख दिया गया, हमने टी लिख ली। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें आई देखना है, जब हमने आई को देखा तो आई देखिए टी के बाद मिल रही है, यहाँ पर हमने टी लिख लिया, आई लिख ली। अब आर को देखें तो आर यहाँ पर देखिए रिपोर्टेशन में आर जो है वो एक बार दी गई है और इसमें यहाँ पर आर दो बार दी गई है, तो यहाँ पर ये रिटायर जो शब्द है वो रिपोर्टेशन से मिलकर नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्विटर, क्योंकि यहाँ देखिए जो टी है वो यहाँ पर मिल रहा था, यू मिल रहा था, इसी प्रकार से सेकेंड टी रिपोर्टेशन में दो टी लिखी है तो इसमें भी दो टी लिखी है, ये देखिए ओ यहाँ पर आई के बाद ओ मिल रहा था, तो यहाँ पर आर हमने फिर देखा तो आर फर्स्ट पर मिल रहा था, आर भी, तो यहाँ पर जो शब्द रिपोर्टेशन से शब्द बनाया जा सकता है वो कौन सा बनाया जा सकता है, ट्विटर, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और ट्विटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चार शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो चार शब्द दिए गए हैं वो सही सार्थक क्रम कौन दर्शाएगा, ये चार विकल्प दिए गए इसमें हमें छांटना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक नंबर पर लिखा है किसान, उसके बाद दो नंबर पर बीज लिखा है, इसके बाद तीन नंबर पर क्या लिखा है भोजन, इसके बाद चार नंबर पर लिखा है खेती। तो सबसे पहले अगर हम एक ऑप्शन को उठा कर देखें तो चार नंबर पर यहाँ क्या लिखा है, चार नंबर पर लिखा है खेती, तो देखिए खेती को हमने लिख लिया। फिर क्या लिखा है, ये चार नंबर हो गया। दो नंबर पर क्या लिखा है, दो नंबर पर लिखा है यहाँ पर बीज, तो यहाँ हमने बीज लिख लिया। अब क्या लिखा है, देखिए तीन नंबर पर लिखा है यहाँ पर भोजन, तो हम तीन नंबर पर भोजन लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, देखिए एक नंबर पर लिखा है किसान, तो हमने एक नंबर पर किसान लिख लिया। अब देखिए ये जो है सार्थक क्रम है, तो ये सार्थक क्रम नहीं है, क्योंकि जो किसान होता है वो बीज को बोता है, फिर क्या करता है, फिर खेती करता है, फिर उससे क्या निकलता है भोजन। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा बीज, यानी कि दो नंबर आएगा। तो यहाँ पर एक नंबर पर हमने लिख लिया किसान, फिर क्या आएगा दो नंबर पर आएगा यहाँ पर बीज, हमने दो नंबर लिख लिया। इसके बाद हम तीन नंबर को देख लेते हैं, जब हमने तीन नंबर को देखा तो तीन नंबर पे यहाँ पर क्या दिया गया है, चार नंबर यहाँ पर आएगा, देखिए चार नंबर पर यहाँ पर खेती करेगा, किसान बीज को बोएगा, यहाँ पर बीज को बोएगा, फिर बीज से क्या होगा खेती होगी, तो यहाँ पर खेती आ जाएगा, चार नंबर पर आएगा खेती, तो हमने यहाँ पर खेती लिख ली। अब क्या करेगा, खेती से होगा अनाज, तभी तो वो भोजन खाएगा, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा भोजन, तो यहाँ हमने भोजन लिख लिया। देखिए जो सार्थक क्रम आया वो क्या आया, यहाँ पर आया एक कोमा दो कोमा चार कोमा तीन, तो एक कोमा दो कोमा चार कोमा तीन ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर एक कोमा दो कोमा चार कोमा तीन ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चार विकल्पों चार शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सबसे पहले किसान दिया गया था, फिर दूसरे नंबर पर बीज, फिर क्या दिया गया था भोजन, फिर खेती। तो किसान जो होता है वो क्या करता है, वो करता है वो बीज को बोता है, फिर उससे क्या होती है खेती, तो खेती से क्या निकलता है अनाज, उससे वो खाता है भोजन। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा किसान, उसके बाद आएगा बीज, बीज के बाद क्या आएगी खेती, और खेती खेती के बाद क्या आएगा भोजन। जो एक नंबर पर आएगा वो आएगा किसान, दो नंबर पर बीज, तीन चार नंबर पर खेती, और तीन नंबर पर आएगा भोजन। तो जो सार्थक क्रम आएगा वो क्या आएगा, एक दो चार तीन, और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।